बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। साल के दौरान 13वें इतवार की तलावतें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हम सबका चैनल क्राइस्ट कम्युनिटी कैथलिक टीवी। अलीसा उठा और इलियास के साथ चला गया। आज की पहली तिलावत मलूक की पहली किताब उसके 19वें बाब की 16वीं और फिर 19वीं से 21वीं आयाते मुकद्दसा। एक दिन खुदावंद ने इलियास को फरमाया कि जा और आबल मेहुला के अलीसा बिन शाफात को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। तब वो वहां से चल पड़ा और अलीसा बिन शाफात को मिला जो हल चला रहा था और उसके आगे 12 जोड़े बैलों के थे और वो 12वें के साथ था। तो इलियास उसकी तरफ गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी तो उसने बैलों को छोड़ा और इलियास के पीछे दौड़ा और उससे कहा, मुझे इजाजत दे कि मैं अपने बाप और अपनी माँ को चूमूं, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने उससे कहा, जा और लौट कर आ, ख्याल कर कि मैंने तेरे साथ क्या किया। तब वो उसके पीछे से लौटा और बैलों की एक जोड़ी ली और उन्हें ज़बह किया और बैलों के हल से उनका गोश्त पकाया और लोगों को दिया तो उन्होंने खाया। तब वो उठा और इलियास के साथ चला गया और उसकी खिदमत करने लगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद तू मेरा बखरा है, ऐ खुदावंद तू मेरा बखरा है, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूं। मैं खुदावंद से कहता हूं कि तू मेरा खुदावंद है, खुदावंद मेरी मेरास और मेरे जाम का हिस्सा है, तू ही मेरे बखरे का निगहबान है। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद तू मेरा बखरा है। मैं खुदावंद को मुबारक कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सलाह दी है और रात ही को मेरा कल्ब मुझे नसीहत करता है। मैं हर वक्त खुदावंत को अपनी निगाह में रखता हूं, जब वो मेरी दहनी तरफ है तो मैं जुम्बश ना खाऊंगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावंत तू मेरा बखरा है, इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा क्योंकि तू मेरी जान को आलमे असफल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मुकद्दस को सड़ने ही देगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद तू मेरा बखरा है, तू मुझको जिंदगानी की राह, अपने हजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दहने हाथ पर दायमी सरूर दिखाएगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद तू मेरा बखरा है, तुम आजादी के लिए बुलाए गए थे। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत गलातियों के नाम, उसके 5वें बाब की पहली और फिर 13वीं से 18वीं आयाते मुकद्दसा। ऐ भाइयों, जबकि मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए गए हो, मगर उस आजादी को जिस्म के लिए मौका ना समझो, बल्कि मोहब्बत से एक दूसरे की खिदमत करो, इसलिए कि सारी शरीयत इसी एक बात में पूरी होती है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानत प्यार कर,
लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और निगल जाते हो तो खबरदार, ऐसा ना हो कि एक दूसरे को हजम कर दो। मगर मैं कहता हूं कि तुम रूह के मुआफिक चलो, तो तुम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिश रूह की मुखालिफ है और रूह की ख्वाहिश जिस्म की मुखालिफ, और ये एक दूसरे के खिलाफ हैं, यहां तक कि जो तुम चाहते हो वो नहीं करते। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। यसु ने इरादतन यरूशलम का रुख किया, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंत तेरी तमजीद हो। उसके नवें बाप की 51वीं से 62वीं आयाते मुकद्दसा। उस वक्त जब यसु के सऊद के दिन करीब थे, तो उसने पुख्ता इरादा किया कि यरूशलम का रुख करे और अपने आगे कासिद भेजे, और वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें। लेकिन उन्होंने उसको कबूल ना किया, क्योंकि उसका रुख यरूशलम जाने का था। उसके शागिर्दों याकूब और यूहन्ना ने ये देखकर कहा, क्या ये खुदावंत, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग उतरे और उन्हें भस्म करे? तब उसने फिर कर उन्हें छिड़का और वो दूसरे कस्बा को चले गए। और जब वो राह में चले जाते थे, तो किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जहां कहीं तू जाता है मैं तेरे पीछे चलूंगा। यसु ने उससे कहा, लूमड़ियों के लिए मांदे हैं और परिंदों के लिए घोंसले, मगर इब्ने इंसान के लिए इतनी जगह भी नहीं जहां सर रखे। और उसने किसी और से कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मुझे रुख्सत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, मगर तू जा और खुदा की बादशाही की बशारत दे। एक और ने कहा, क्या ये खुदावंद, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मगर मुझे इजाजत दे कि पहले घर वालों से रुख्सत हो आऊं। यसु ने उससे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हम सबका चैनल क्राइस्ट कम्युनिटी कैथलिक टीवी।